नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गार्डनिंग विद सुनील में। दोस्तों, आज मैं आपसे बहुत ही सुंदर इंडोर प्लांट के बारे में बात करूंगा, जिसका नाम है अरिका पाम। इस प्लांट को आप इंडोर लगा सकते हैं, जो बहुत ही ग्रीनरी देता है, और घर में लगा हुआ दोस्तों बहुत ही सुंदर लगता है, हमारे घर को बहुत ही सुंदर लुक देता है, और अलग ही मतलब कि जिस कोने में आप लगाते हो वो कोना अलग ही चमकता है। दोस्तों, आज मैं अरिका पाम की केयर के बारे में बात करूंगा, जिससे ये प्लांट सारा साल हरा भरा रहे और खराब ना हो। दोस्तों, सबसे पहले तो इसकी मिट्टी दोस्तों वेल ड्रेन होनी चाहिए। मिट्टी में दोस्तों 40% खाद, 30% मिट्टी और 20% आप रेत ले। खाद दोस्तों आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, जो इजीली अवेलेबल हो, वो आप ले सकते हैं। ऐसी मिट्टी में दोस्तों आप लगाएंगे तो उसमें पानी आप जब भी देंगे तो वो पानी साथ के साथ ड्रेन हो जाएगा, पानी प्लांट में खड़ा नहीं होगा। ज़्यादा पानी खड़ा होने से दोस्तों ये प्लांट खराब होने लगता है और इसमें फंगस लग जाती है। दूसरा दोस्तों, इस प्लांट को आप वहां रखें जहां पर ब्राइट लाइट हो, और यदि आप इसको रूम में रखते हैं तो वहां रखें जहां रोशनी अच्छी आए। जैसे यदि आप किसी खिड़की के पास रखते हैं तो वहां आप ये देख लें कि भी रोशनी वहां पर इस प्लांट को अच्छी मिले। इसे दोस्तों धूप में, इस प्लांट को आप बिल्कुल भी ना रखें। धूप में रखने से इसकी पत्तियां जलने लग जाएंगी और पीली हो जाएंगी। तीसरा दोस्तों, यदि इस प्लांट की पत्तियां आपको पीली लगे या पुरानी पत्तियां पीली होकर उसमें पीले रंग के कोई स्पॉट आने शुरू हो जाए, तो इसका मतलब इसमें पोटाशियम की कमी हो गई है। इसके लिए दोस्तों आप पोटाश 1 या 1.5 चम्मच गमले में, 12 इंची गमले में, 12 इंची गमले के हिसाब से बता रहा हूँ, आप गमले में डाल सकते हैं। दूसरा, यदि आपके पास दोस्तों पोटाश नहीं है तो आप उसकी जगह 2 या 3 केले के छिलके भी डाल सकते हैं। और यदि दोस्तों इसकी लीव्स ब्राउन हो जाती हैं तो वो ओवर वाटरिंग या पानी की कमी से हो सकता है, तो उस कंडीशन में दोस्तों इसे फर्टिलाइजर कुछ टाइम के लिए ना दे और पानी थोड़ा ज्यादा दे, ताकि इसमें यदि पानी की कमी हो गई है वो पानी की कमी पूरी हो जाए। चौथा दोस्तों, इस प्लांट को मिस्टिंग बहुत पसंद है। इसे दोस्तों महीने में एक बार NPK का 1 चम्मच 1.5 लीटर पानी में डालकर इसको मिस्टिंग कीजिए। इससे दोस्तों इसकी पत्तियां हरी भरी रहेंगी। जैसे आप देख रहे हैं मेरी पत्तियां एकदम इस प्लांट की हरी भरी हैं, जो नई पत्ती आ रही है वो भी एकदम हरी हुई है। और दोस्तों इसमें NPK में पोटाश, फास्फोरस और नाइट्रोजन की तीनों की मात्रा होती है, जो हमारे पौधे के लिए, एरिका पाम के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होती है। और दोस्तों 15 दिन में इसको एक बार नीम ऑयल का स्प्रे करें, ताकि ये सभी प्रकार से फंगस और बीमारियों से बचा रहे। दोस्तों इस प्लांट को खाद की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती। इसको दोस्तों महीने में आप एक बार वर्मी कंपोस्ट या लीव कंपोस्ट, जो आपके पास अवेलेबल हो, वो महीने में आप इसे एक बार दे दीजिए। ये देख रहे हैं दोस्तों आप, ये जैसे मैंने इसमें गोबर की खाद दे रखी है, और मिट्टी देखो कैसे ऐसी वेल ड्रेन मिट्टी है दोस्तों, एकदम भुरभुरी मिट्टी। ऐसे ही दोस्तों इसे मिट्टी चाहिए, एकदम सॉफ्ट मीडियम में आप दोस्तों लगाएंगे, बरीका पाम बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी ग्रोथ कर गया। तो दोस्तों यही सब जानकारी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। दोस्तों यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे दोस्तों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।